नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के बारे में। कौन से वो 3-4 स्टेटस रहने वाले हैं जिनको करेक्शन कराना है, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो करेक्शन की जो पोर्टल है उसको खोल दिया है यूपी गवर्नमेंट ने। तो ऐसे कौन कौन से 3 या 4 जो स्टेटस हैं, मतलब ऐसे कौन से 3-4 स्टेटस वाले जो बच्चे हैं जो करेक्शन करा सकते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स मतलब, और बाकी मैं आज की इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको करेक्शन नहीं कराना है, उनका करेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और बाकी जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें। पहले बात करते करेक्शन आप उधर से करोगे, पहले आप बात करते करेक्शन किधर से करोगे। देखो करेक्शन आप उधर से करोगे जिधर से आप अपना स्टेटस यहाँ से चेक करते हो, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है आवेदन पत्र को संशोधित करके, ठीक है। क्या ऑप्शन आता है? आवेदन पत्र को संशोधित करके एक ऑप्शन आता है आपको। जब इस वाले ऑप्शन पर ओके करोगे, जैसे आप, मैं आपको शुरू से बता दूँ, आप अपने स्टेटस जब चेक करेंगे, ठीक है, जब वहाँ पे आपको अगर संशोधित करना होगा तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन आएगा। आप इस पर जब ओके करोगे तो आप सिंपल से फॉर्म भरोगे, जो भी करेक्शन करना है वो करेक्शन करोगे और फाइनल प्रिंट आप निकाल लोगे तुरंत ही, ठीक है। अब बात करते कौन कौन से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको करेक्शन करना है, ठीक है। तो करेक्शन उन्हीं बच्चों को करना है जिनके मार्क्स पहले पहला आता है, जिनको मार्क्स मतलब जिनके मार्क्स में मिसमैच था, मतलब किसी के मार्क्स आगे पीछे थे, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। दूसरा वो कर सकते हैं जिनकी बैंक से रिजेक्ट हो गया है, जैसे बैंक ने रिजेक्ट कर दिया तो वो कर सकते हैं। तीसरा वो बच्चे कर सकते हैं जिनका कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट में दिक्कत थी, तो वो इनकम सर्टिफिकेट वाले और कास्ट सर्टिफिकेट वाले वो कर सकते हैं, ठीक है। चौथा कर सकते हैं जिसका रिजल्ट, अब रिजल्ट नहीं आया था तो उसने मेन ऑप्शन भरा था कि नॉट डिक्लियर, रिजल्ट नॉट डिक्लियर, ठीक है, तो वो ये वाले छात्र ये करेक्शन कर सकते हैं, इस टाइप के छात्र। बाकी जो ऐसे छात्र छात्रा है जिनका करेक्शन वहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है, उनका ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाएगा, उनको करेक्शन करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। बाकी इन्हीं बच्चों को करेक्शन करना होगा, बाकी जो और बच्चे हैं जो मैंने बताया, जैसे इनकम टैक्स इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट वाले हैं, करेक्शन और रिजल्ट का मिसमैच है, और जिनके मार्क्स गलत हो गए हैं, ठीक है, तो या फिर जिनका बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे बच्चों के में ही ये वाला ऑप्शन आ रहा है, बाकी के में ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वो बच्चे परेशान ना हो, उनका ऑटोमेटिक ही करेक्ट होगा, ठीक है, उनका ऑटोमेटिक ही करेक्शन होगा। बाकी जिसके में ऑप्शन आ रहा है वो अपना करेक्शन करें और फटाफट अपना जो फाइनल प्रिंट है वो अपने कॉलेज में जमा करें, ठीक है। तो बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।